हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में। प्लेटी हेलमिंथीज में जो हमें पढ़ना है, पहला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। पूरे फाइलम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हमें वो दोनों जानना है। और दूसरा, हमें यहाँ के दो जीनस के बारे में पढ़ना है, एक है टीनिया और दूसरा है फैसियोला। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम 60 क्वेश्चंस भी करेंगे जो डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से है, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी से, और जो हम जिसके बारे में जानते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल बुक है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो हम उन सबको करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लाइक, वीडियो देखने के बाद करना अगर वीडियो पसंद आता है तो, लेकिन शेयर अभी कर दो, क्योंकि आज मैंने एक टारगेट बनाया है, जब तक कि मेरी हर वीडियो, मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जब उसके 1000 व्यूज हो जाएंगे, चाहे वो एक दिन में हो या आप एक घंटे में करो या फिर दो दिन में करो, जितने भी देर में करोगे, जब 1000 व्यूज हो जाएंगे उसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी इस टॉपिक पे, मतलब जूलॉजी की जो भी टीजीटी की वीडियोज हैं मैं लेके आऊँगी। क्योंकि मैंने अपना एक टारगेट बनाया है कि मुझे 30 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करना है। 8th को एग्ज़ाम है ना, 8th अगस्त को, मतलब तब से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो फिर मुझे तब तक कंप्लीट करना है 30th को। तो अगर हमें 30 जुलाई तक इसे कंप्लीट करना है, तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों कंप्लीट करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, तब जाके मैं ये दोनों काम कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन में अगर मुझे ये सब करने के लिए इतनी मेहनत चाहिए, तो उसके लिए मुझे उस मेहनत को करने के लिए आपका साथ चाहिए, और आपका साथ व्यूज के रूप में मुझे मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसे जल्दी से जल्दी करूँ, क्योंकि अगर जैसे ही मेरे 1000 व्यूज कम्प्लीट होंगे ना, उसके 10 मिनट के अंदर आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। तो अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो वीडियो को शेयर करो, कुछ ज़्यादा नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, बस आपको वीडियो मेरे शेयर करने हैं, तो आप वीडियो शेयर कर दो और मैं अगली वीडियो आपको, जैसे ही 1000 व्यूज होंगे, मैं उसके 10 मिनट के अंदर आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखो, ये जो फाइलम है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यह नाइडेरिया के आगे का जीव है। ठीक है, ये फाइलम कहाँ से आगे का है, नाइडेरिया के। तो नाइडेरिया तक क्या थी, डिप्लोब्लास्टिक था, और क्या थी उसमें, डिप्लोब्लास्ट था और टिश्यू लेवल था। तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ा तो क्या हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ क्या हो गया, ये ऑर्गन ग्रेड में आ गया, मतलब अब इसके अंदर अंगों का निर्माण होने लगा है। ठीक है, अंग का निर्माण होने लगा है, और साथ ही इसमें मीजोडर्म, बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें सिलोम का विकास नहीं हुआ है। तो ये कैसा हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन ग्रेड ए सिलोमेट। ठीक है, अब नाम देखो, नाम इसका क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज। हेलमिंथीज का मतलब होता है वर्म। ठीक है, और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेट, प्लेट का, प्लेटी से समझो प्लेट, और प्लेट का मतलब क्या होता है, प्लेट कैसा होता है, फ्लैट होता है ना, चपटा ही प्लेट होता है ना, कोई गोल प्लेट में खाता है क्या, कि जैसे एकदम स्फेरिकल हो, तो हमें बॉल टाइप प्लेट में तो हम खाते नहीं ना, हम कैसे प्लेट में खाते हैं, जो फ्लैट होता है। तो जो प्लेट होता है वह कैसा होता है, फ्लैट होता है, या इसमें के जितने भी जीव हैं ना, वे सभी कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो सभी वर्म कैसे हो गए, फ्लैट हो गए। अब इसके बाद इसमें एक ड्रेन सिस्टम डेवलप है, ड्रेन सिस्टम कोई अलग सिस्टम नहीं है, वही है, मैंने इसको एक साथ इसलिए कर दिया कि आपको इजीली याद हो जाए। ड्रेन का मतलब होता है डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, आर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ई फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम, और एन फॉर नर्वस सिस्टम। अच्छा बताओ, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वेंट्रल या डॉर्सल, हॉलो या सॉलिड। देखो, इसमें वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और कौन सा होगा वह, सॉलिड, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो कॉर्डाटा होते हैं ना, जैसे जब कॉर्डाटा की शुरुआत हुई तो प्रोटोकॉर्डाटा जो है वहाँ से शुरुआत होती है डॉर्सल होलो नर्व सिस्टम की। ठीक है, तो डॉर्सल होलो नर्व सिस्टम जहाँ पे आएगा वह समझ जाना कि वो प्रोटोकॉर्डाटा की बात हो रही है। ठीक है, कॉर्डाटा की बात हो रही है। उसके पहले के जीवों में
जो नर्व कार्ड है वह नर्व कार्ड कैसा होगा, वेंट्रल और सॉलिड होगा। ठीक है, आगे देखो, वेंट्रल का मतलब, डॉर्सल का मतलब होता है जो बॉडी के ऊपरी हिस्से में ऊपर से नीचे की तरफ जाए, ठीक है, और वेंट्रल का मतलब नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें नीचे की तरफ होता है, और जबकि हम लोग जैसे हैं, जैसे हम लोग में तो वर्टिब्रल कॉलम बन गया है, चेंज हो चुका है, जैसे कि एम्फियोक्सिस, वहाँ पर जो है, वहाँ पर सिफेलोकॉर्डाटा के जो जीव हैं उसमें क्या है, यह डॉर्सल है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। आगे बढ़ो, तो इसमें अब बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें बन चुका होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं इसके जो कि पैरासाइट हैं। इसमें तीन तरह के जीव होते हैं, एक तो एंडो पैरासाइट, दूसरे एक्टो पैरासाइट, और तीसरे होते हैं फ्री लिविंग, ठीक है। तो जो फ्री लिविंग हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पैरासाइट हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे क्या करते हैं ना, जो भी पचा पचाया भोजन है उसको वे एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो पचा पचाया भोजन कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत उसमें नहीं है, तो वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो रेस्पिरेशन भी इनमें दो तरह का होता है, एक तो ऑक्सी श्वसन होता है, दूसरा अनॉक्सी श्वसन होता है। जो बाहर हैं उनमें ऑक्सी श्वसन, और जो ऐसे हैं कि किस पैरासाइट हैं उनमें अनॉक्सी श्वसन होता है। जैसे कि अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें, तो टीनिया सोलियम कहाँ पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। तो इंटेस्टाइन में जब यह पाया जाएगा तो वहाँ पे अनॉक्सी श्वसन करता है, ठीक है। तो टीनिया सोलियम में पूछा भी गया है कि कौन सा श्वसन पाया जाता है, तो अनॉक्सी श्वसन। उसके बाद तीसरा है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बन चुका होता है एनस का निर्माण, अब एनस का नहीं, एक्सक्रेटरी पोर का निर्माण होता है, एक्सक्रेटरी पोर, ठीक है। मतलब एक्सक्रीशन के लिए एक पोर बना होता है जहां से एक्सक्रीशन हो सकता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बताया है, कैसा होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। तो यह चारों याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, मतलब अगर कुछ बनता है तो। उसके बाद अच्छा हाँ, एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक याद आया, और एक्सक्रेटरी सिस्टम इसकी पहचान है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है इसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैम सेल पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। और फ्लैम सेल के बारे में पता है कि वह प्लेटी हेलमिंथीज की सबसे खास बात होती है, फ्लैम सेल। अच्छा, नेफ्रिडिया की अगर हम बात करें, नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स हैं ना, वे पाए जाते हैं ऑलरेडी सिफेलोकार्डाटा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिफेलोकार्डाटा जो है उसमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए वह इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, लेकिन फ्लैम सेल इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। अगला देखो, यह मोस्टली जो होते हैं ना, अनसेगमेंटेड होते हैं, मोस्टली अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता। लेकिन अभी बात करें टीनिया सोलियम की, तो टीनिया सोलियम जैसे उसका हिंदी अगर नाम बताएं तो क्या है, फीता क्रीमी, अब फीते जैसा है, ठीक है, ऐसा क्रीमी जो फीते जैसा है, और इसकी बॉडी क्या है ना, ऐसे सेगमेंट में बटी हुई है, ठीक है, देखने में लगता है कि सेगमेंट में बटी हुई है, ठीक। तो ये जो सेगमेंट वाली इनकी बॉडी है जिसे प्रोग्लोटाइड्स कहते हैं, ठीक है, ये जो एक एक खंड होता है ना, इसको प्रोग्लोटाइड्स कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी होती है टीनिया की। क्या होती है, स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि किसमें स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, तो टीनिया सोलियम में स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसकी जो सेगमेंट हैं उनको क्या कहेंगे, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, एक जो खंड होता है ना उसको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ठीक। और अगला देखो, यह क्या होते हैं, मोनोएसियस होते हैं। अब यहाँ भी थोड़ा सा अपवाद है, सबके सब मोनोएसियस नहीं होते हैं, मतलब एक ऐसा अपवाद है जो कि मोनोएसियस न होके वह डाइएसियस है। अच्छा पहले बताओ मोनोएसियस क्या होता है, मोनोएसियस वो होता है जिसमें कि मोनो का मतलब एक, ठीक है, जब एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेन पाए जाएं, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेन जब एक ही शरीर में पाए जाएं तो उसे मोनोएसियस कहते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है, एक लिंगी या फिर उभयलिंगी। तो इसका मतलब क्या है, एक ही में दोनों ऑर्गेन पाए जा रहे हैं। लेकिन एक जीव इसमें ऐसा भी होता है जिसमें
कि जो कि डाई ओएसियस होता है, डाई ओएसियस मतलब द्विलिंगी होता है, जिसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं, और वह होता है ब्लड फ्लूक। क्या होता है? ब्लड फ्लूक, ठीक है, सिस्टोसोमा इसको बोलते हैं, इसका मतलब। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा डाइओएसियस है या फिर कौन सा मोनोएसियस नहीं है। तो अब देखो, इनकी खास बात है कि इस फाइलम के जितने भी जीव हैं सभी क्या हैं? मोनोएसियस हैं, लेकिन इसमें भी जो सिस्टोसोमा है वो क्या है? डाइएसियस है। अब सिस्टोसोमा की एक बात बताएं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग तो हैं, लेकिन पता है अगर मान लो ये मेल है ना, ऐसे मेल हुआ तो इसी के अंदर से ऐसे फीमेल निकला हुआ है, मतलब फीमेल एक अलग है, उसका माउथ अलग है, उसके बॉडी पार्ट अलग हैं, लेकिन वो रहती कहाँ पे है? मेल के अंदर रहती है, ठीक है, वह मेल के अंदर ही पाई जाएगी, कभी बाहर नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद अगला है, इसमें जो क्लीवेज होता है वह होता है स्पाइरल क्लीवेज, और बहुत सारे लार्वल स्टेज बनते हैं। अच्छा, अब बात हुई है स्पाइरल क्लीवेज की, तो स्पाइरल क्लीवेज क्या है और किस में पाया जाता है ये भी समझ लो। जो ये सब जीव होते हैं ना, स्पाइरल क्लीवेज दो तरह के जीव, ऐसे समझ लो कि दो तरह के जीव हैं, एक तो प्रोटोस्टोम और दूसरा ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। एक क्या है? प्रोटोस्टोम और दूसरा ड्यूटेरोस्टोम, दो तरह के जीव हैं। जो प्रोटोस्टोम के जीव हैं उन सभी जीवों में स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, ठीक है, उन सभी जीवों में क्या पाया जाता है? स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। और ये जीव हैं कौन से? प्रोटोस्टोम के जीव कहते किसे हैं? तो इकाइनोडर्माटा के पहले के जितने भी जीव हैं, ठीक है, जैसे कि प्लैटी हेलमिंथीज हो गया, फिर एस्के हेलमिंथीज हो गया, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का, यही आते हैं ना, तो इन सभी जीवों को प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है कि प्रोट मतलब पहले, प्रोटो मतलब पहले, और स्टोम मतलब क्या होता है? माउथ, ठीक है। तो इनमें क्या है? माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है, जब जाइगोट से जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? माउथ का। अब याद करना बहुत आसान है, कैसे? कि अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें किसी में भी एनस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, ना तो ल्यूकोसोलेनिया में हमने देखा, ना ही हमने हाइड्रा में देखा, मतलब पोरीफेरा में ना देखा, नहीं सिलेंट्रेटा में हमने देखा नहीं। प्लेटी हेलमेंथीज में अभी मैंने आपको बताया कि एक्सक्रेटरी पोर तो होता है, लेकिन अभी तक एनस का निर्माण हमने नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि ये जो जीव हैं ये इनमें पहले माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो पहले किसका डेवलपमेंट हो रहा है? माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए इन जीवों को कहते हैं प्रोटोस्टोम। और जो प्रोटोस्टोम के जीव होते हैं उसमें क्लीवेज कैसा होता है? स्पाइरल होता है, ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज का मतलब है टूटना, क्लीवेज का मतलब क्या है? जब जाइगोट से लार्वा बन रहा है ना, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, ये सब बन रहा है, तो इसमें एक से दो बनते हैं, दो से फिर चार बनते हैं, और जब चार से आठ बनते हैं तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे एक पास मतलब एक पीछे वाला है, एक ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। और इकाइनोडर्माटा से लेकर आगे के जितने भी जीव हैं, इकाइनोडर्माटा हो गया और कार्डाटा हो गया, फिर वर्टिब्राटा हो गया, जैसे कि हम सब, तो ये सभी जो जीव ना, इसमें पाया जाता है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज पाया जाता है क्यों? रेडियल क्लीवेज का क्या मतलब है कि इस क्लीवेज में पहले एनस का निर्माण होता है, बाद में माउथ का निर्माण होता है, ठीक है, पहले एनस का निर्माण होता है, बाद में माउथ का निर्माण होता है। जैसे कि अगर कोई बेबी, अगर आप बेबी का इमेज देखते हो ना, माँ के गर्भ में जब बेबी है तो उसका जब इमेज देखते हो इन्फेंट का, तो क्या देखते हो? उसकी नाभि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह माउथ का यूज नहीं कर रहा है, उसको जो कुछ भी चाहिए खाने के लिए, जैसे उसको पोषण के लिए जो भी चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है? उसकी नाभि से उसके अंदर जा रहा है, लेकिन एनस का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए बस बता रही हूँ कि जो भी ड्यूटेरोस्टोम होते हैं ना, तो ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनस का निर्माण होता है और बाद में किसका निर्माण होता है? माउथ का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, तो इसमें स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया। TGT में शायद दो तीन साल, मतलब कोई पेपर मैंने देखा था, पूछा हुआ था, ठीक। तो यह इतना आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया।
तो इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इनके शरीर के आकार के आधार पे और इनके रहने के आधार पे किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखो ट्यूबेलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा, तीन भागों में इनको बांटा गया है। तीन क्लासेज हैं इनकी, ट्यूबेलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। अच्छा, इनका नाम जो है ना, इसी नाम से, कोई ट्रिक नहीं है, बस इनका नाम आप समझ लो, नाम से आप जान जाओगे कि किसमें क्या अंतर है। देखो ट्यूबेलेरिया, सबसे पहले क्या है ट्यूबेलेरिया, तो ट्यूब, ट्यूबेल, ठीक है, ट्यूबेल, यहाँ तक याद कर लो, ट्यूबेल, ठीक है। इसमें जो बॉडी है ना, उसमें ट्यूबेल जैसे, एक ट्यूब जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं, ट्यूबेला, इसके कहते हैं स्ट्रिंग, और इसका मतलब होता है सिलिया, ठीक है। तो जो भी जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, जो फ्री स्विमिंग है समुद्र में रहते हैं, उनमें क्या होता है, सिलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलिया पाई जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो पैर तो है नहीं, तो जब पैर नहीं है तो क्या पाई जाएगी, सिलिया पाई जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ट्यूबेलेरिया के जितने भी जीव हैं, अब ट्यूब, ट्यूब का मतलब पतली पतली नली, ठीक है, ट्यूब मतलब क्या, पतली पतली नली, और ट्यूबेल मतलब क्या हो गया कि क्या है, अगर साइंटिफिक नेम बोलें तब तो इसका जो होता है ट्यूबेल, ट्यूबेला का मतलब स्ट्रिंग होता है, और इसको सिलिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, सिलिया पाया जा रहा है, ठीक। दूसरा ट्रिमेटोडा, तो ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम का मतलब क्या होता है, होल, ट्रिम का मतलब क्या होता है, होल। तो यहाँ पर ना एक्सक्रेटरी ऑर्गेन, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गेन नहीं, हाँ एक्सक्रेटरी ऑर्गेन जो पाया जाता है, एक हल्का सा होल पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें और भी होल पाए जाते हैं, ठीक है। इसी होल के नाम के आधार पर इनको क्या कहेंगे, ट्रीमेटोडा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका माउथ है, ठीक है, माउथ है, यहाँ पर एक होल है जिसको सकर बोलते हैं, या ने का काम करते हैं, किसी चीज को सक करने का काम करते हैं, ठीक है, तो सकर पाया जाता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये गोल सा देख रहे हो ना, ये गोल सा, यह गोनोपोर है, ठीक है, ये क्या है, गोनोपोर है, और यहाँ पर एसिटैब्यूलम है, क्या है, एसिटैब्यूलम है। तो देख लो इतने सारे इसके अंदर छेद हैं ना, इतने सारे होल हैं, इसी होल की वजह से इसको किसमें रखा गया है, ट्रीमेटोडा में रखा गया, याद हो गया। अगला देखो सिस्टोडा, सिस्टोडा, सिस्टोडा का मतलब किस्टो, किस्टो, और किस्टो का मतलब होता है फीता। किस्टो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बांध देना, फीते जैसा। तो बांधने का कौन काम करेगा, रस्सी या फीता, और इसकी बॉडी जो होती है यही देखो फीते के जैसी होती है, सबसे लंबा यही होता है, कई मीटर तक लंबा होता है। तो ये हो गया सिस्टोडा के जीव, आ गया समझ में। तो प्लैनेरिया जो कि समुद्र में पाया जाएगा, मैराइन होता है, इसमें सिलिया पाई जाती है। ट्रीमेटोडा जो कि या तो एक्टोपैरासाइट होते हैं या फिर एंडोपैरासाइट होते हैं, इसमें फैसियोला आता है, और इनमें क्या होता है, एक होल भी पाया जाता है, एक्सक्रेटरी होल सबसे निचली तरफ पे। और तीसरा होता है सिस्टोडा, सिस्टोडा के जो जीव होते हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं और फीते जैसा इनका शरीर होता है, ठीक। आगे समझ में सब, आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें पढ़ना है हिपैटिका के बारे में। तो जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसे फॉर्म में ले लिए हैं, बस एक दो एक पेज इसको याद कर लो ना, तो कुछ और बचेगा ही नहीं याद करने के लिए। देखो फैसियोला हिपैटिका की बात करें, सबसे पहले बात करें फैसियोला हिपैटिका की, तो यह क्या वो होता है, इसको कॉमन नेम है इसका सिप लीवर फ्लुक। क्या है इसका कॉमन नेम, सिप लीवर फ्लुक, ठीक है। अब सिप लीवर फ्लुक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सिप में पाया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि यह डाई जेनेटिक एंडो पैरासाइट है। मतलब डाई जेनेटिक मतलब कि डाई मतलब दो, और जेनेटिक मतलब दो जीवों के अंदर यह एंडो पैरासाइट के रूप में रहता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं, एक है सीप और दूसरा है घोंघा या स्नेल, ठीक है। तो जो सीप है उसमें जो डिजीज ये कॉज करता है, उस डिजीज का नाम है लीवर रॉट, या फिर इसे कहते हैं फैसियोलिसिस। क्या कहते हैं, लीवर रॉट या फिर फैसियोलिसिस, ठीक है। और इसमें पता है, मैंने अभी बताया था ना कि इसमें कई लार्वल स्टेज होती हैं, ठीक। ये जो जीव होते हैं इनमें लार्वल स्टेज कई होती हैं, एक ही नहीं होती, कई होती है। तो दूसरा इसका जो जीव है, जो दूसरा इसका मतलब जिसका जो जिसके अंदर ये रहता है, ठीक, वह है स्नेल, ठीक है। और उसमें जो लार्वल स्टेज के रूप में ये प्रवेश करता है वो है मिरेसीडियम स्टेज, ठीक है।
अब देखो जैसे कि ये कोई सिप है, उस सिप में ये गया, ठीक। जब उस सिप के अंदर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा? मेटा सर्केरिया स्टेज के रूप में। किसी सिप में गया तो मेटा सर्केरिया स्टेज में गया। मेटा सर्केरिया स्टेज में जाने के बाद वहाँ पर ये स्पोरोसिस्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़रूरत है, अगर स्पोर नहीं बनाएगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जाने के बाद ये किस में चेंज हो गया? स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, उसमें जो इतने भी जूस जाएंगी उसके साथ वो गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए स्पोरोसिस्ट में बदल जाता है। उसके बाद ये चल जाता है, चेंज होता है फिर रेडिया के फॉर्म में, रेडिया से सर्केरिया के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। और सर्केरिया से जो ये फॉर्म है, देखो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर ये जब जाता है तो मेटा सर्केरिया के फॉर्म में जाता है, और मेटा सर्केरिया के फॉर्म में जाने के बाद, ठीक है, सिप में मेटा सर्केरिया के फॉर्म में जाने के बाद ये एडल्ट के फॉर्म में चेंज होता है, और फिर अपनी लाइफ प्रोसेस को चालू रखता है, मतलब खाने पीने का काम करता है, और फिर उसमें बनाता है स्पोरो, फिर उसमें ये जाके फिर बाद में मेरिसीडियम के रूप में चेंज हो जाता है। जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तो बाद में यह मेरिसीडियम के रूप में चेंज होता है, और मेरिसीडियम के रूप में चेंज होने के बाद यह फीसेज के साथ बाहर आ जाता है। फीकल मटेरियल के साथ जब ये बाहर आता है तो फिर उस समय यह जब किसी स्नेल के अंदर जाता है तो मेरिडियम के फॉर्म में जाता है, ठीक है। जब स्नेल के अंदर गया तो मेरिडियम के फॉर्म में गया, और मेरिडियम के फॉर्म में जाने के बाद वहाँ पर यह स्पोरोसिस्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है, और स्पोरोसिस्ट के रूप में जब ये फॉर्म होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर यह रेडिया लार्वा बनाता है, रेडिया लार्वा में चेंज होता है, और रेडिया से सर्केरिया लार्वा में चेंज होता है, और सर्केरिया लार्वा जो होता है वह आता है बाहर, ठीक है, किस रूप में? मेटा सर्केरिया के रूप में, और यही मेटा सर्केरिया दोबारा अंदर जाती है सिप के रूप में, ठीक है। तो आगे इसमें समझ में आपको हमें लग रहा है नहीं आया होगा, अभी तक हमें नहीं लगता कि आपको सही से समझ में आया होगा, तो एक बार और सुन लो इसको। सिप में लीवर फ्लूक है, ठीक है, और इसमें किस फॉर्म में ये गया? लीवर फ्लूक, इसने अपना जो एग दिए, ठीक है, एग जब दिए तो वह एग मेरा सीडियम स्टेज में आए, चेंज हुए किस में? मेरा सीडियम स्टेज में। मेरा सीडियम स्टेज से यह वहाँ पे जो एग थे मेरा सीडियम स्टेज में आए, मेरा सीडियम स्टेज में ही यह कहाँ चले जाते हैं? स्नेल के अंदर। कहाँ जाएंगे? स्नेल के अंदर जाएंगे, और स्नेल में जाने के बाद यह चेंज हो जाते हैं स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में, और स्पोरोसिस्ट के बाद से वो बनता है रेडिया लार्वा, ठीक है, क्या बनता है? रेडिया लार्वा। अच्छा एक चीज़ और जान लो कि जो मेरे सीडियम स्टेज है ना, मेरे सीडियम स्टेज इसमें पाई जाती हैं सिलिया, मेरे सीडियम स्टेज में क्या पाई जाती हैं? सिलिया पाई जाती हैं, मेरा सीडियम स्टेज में सिलिया पाई जाती हैं, ठीक। तो मेरा सीडियम स्टेज में जब ये जाते हैं स्नेल के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद ये चेंज हो जाते हैं स्पोरोसिस्ट के रूप में, और स्पोरोसिस्ट चेंज होता है रेडिया के रूप में, और रेडिया क्या होता है फिर इसमें? रेडिया में बनता है सर्केरिया, क्या बनता है? सर्केरिया, और सर्केरिया फिर चेंज होता है, सर्केरिया में पाया जाता है टेल, सर्केरिया में क्या पाया जाता है? टेल। मेरिडियम में क्या पाया जाता है? सिलिया। सर्केरिया में क्या पाया जाता है? टेल। ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं मे बी, ठीक है। तो मेरिसीडियम में क्या है? सिलिया, और सर्केरिया में क्या है? टेल, और सर्केरिया से ये चेंज होता है मेटा सर्केरिया में, और यही वह स्टेज होती है जब यह पहुंचता है किसी सिप के अंदर, और वहां पर जाने के बाद यह चेंज हो जाता है किसमें? लीवर फ्लूक के फॉर्म में, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस हमें एक ओवरव्यू मैं आपको बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए सब कुछ रिवीजन के तौर पे। अब यहाँ पे जो डिजीज है फैसियोलिसिस, इस डिजीज के लिए जो मेडिसिन है वह मेडिसिन है ट्राइक्लैबेंडाजोल। क्या है? ट्राइक्लैबेंडाजोल, यह मेडिसिन यहाँ पर यूज की जाती है। अच्छा इसी में का जो ट्रीमेटोडा है ना, ट्रीमेटोडा जो क्लास है, इसमें एक और भी पाया जाता है जिसके बारे में मैंने बताया था कि यह क्या है? डाइओएसियस है, तो वह है सिस्टोसोमा, जिसे कहते हैं ब्लड फ्लूक, ठीक है। यह क्या है? डाइओएसियस है, और
यह कहाँ पाई जाती है, मेल के अंदर इसमें फीमेल पाई जाती है। अगला देखते हैं टीनिया के बारे में। टीनिया के बारे में जान लो थोड़ा सा। टीनिया क्या है? टैप वर्म। इसका कॉमन नेम क्या है? टैप वर्म। और इसकी खास बात क्या है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। यह क्या है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। फैसियोला भी क्या था? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। और वह किस में था? सिप में और स्नेल में। जो उसका मेन होस्ट था, मेन वह कौन था? सिप थी। जो सेकेंडरी होस्ट था वह क्या था? स्नेल था। इसी तरह से टेनिया में भी दो होस्ट हैं। तो जिसका मेन होस्ट है, जो प्राइमरी होस्ट है, वह है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है? पिग है। ठीक है, ह्यूमन में इसके भी कई लार्वा होते हैं। इसके तीन लार्वल स्टेज होते हैं। पहले रहते हैं ओंकोस्फेयर। सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? ओंकोस्फेयर। दूसरा इसका स्टेज होता है हेक्साकेंथ। तीसरा होता है सिस्टिसर्कस। ठीक है, ओंकोस्फेयर, हेक्साकेंथ और सिस्टिसर्कस, तीन हो गए, तीन लार्वल स्टेज। अब जब ये ह्यूमन में कौन इसमें इंटर करेगा? ह्यूमन इंटर जो करता है वह होता है सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस लार्वा जाता है ह्यूमन के अंदर और ग्रो करके बनाता है टीनिया, एक एडल्ट टीनिया। ठीक है, और जो ओंकोस्फेयर लार्वा यहाँ से और ह्यूमन के अंदर बनता है ओंकोस्फेयर लार्वा, जो उसके शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो शरीर ह्यूमन के अंदर कौन इंटर करता है? खाते समय जो मान लो कुछ खा लिया, कुछ नहीं खा लिया, अब इसकी बात करें तो मिजली पॉर्क जो खाया, मतलब जो सुअर का मांस जो लोग कच्चा मतलब अधपका खा लेते हैं, और अगर वह बीमार है, उसके अंदर टीनिया सोलियम है, उसके जो हेक्साकेंथ लार्वा अगर उसके अंदर बना हुआ है, तो फिर वह बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और यह उसके अंदर काफ़ी मसल्स में, उसके मसल्स में काफ़ी सालों तक पड़ा रह जाता है। तो जो अच्छा एक चीज़ और, जो सुअर का मांस है जिसे हम कहते हैं पॉर्क, तो इसी पॉर्क को अगर उसके अंदर टीनिया सोलियम है तो उसको मिजली पॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजली पॉर्क कहते हैं। तो जब यह देखो जो ह्यूमन के अंदर जाता है वह क्या है? सिस्टिसर्कस लार्वा, या फिर उसको कहते हैं ब्लैडर वर्म। सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म वह ह्यूमन के अंदर जाता है। किस तरह और पे जाएगा? जब आप मतलब जब कोई पॉर्क खा लेगा तो उसके बाद वहाँ पर जाके वह एडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है, और फिर वहाँ पर वह अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, और वहाँ पर वह क्या फिर से एग प्रोड्यूस करता है, और वह एग जो होता है लार्वा में चेंज होता है ओंकोस्फेयर, ओंकोस्फेयर लार्वा में, और वह ओंकोस्फेयर लार्वा फिर बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, और जब ये ओंकोस्फेयर लार्वा बॉडी से बाहर आता है तो उसके बाद वह अगर पीक के अंदर जाता है तो उसमें जाके चेंज हो जाता है हेक्साकेंथ लार्वा में, और बाद में चेंज होता है सिस्टिसर्कस लार्वा में। वह सिस्टिसर्कस लार्वा बाद में खाने के साथ इंसान के अंदर चले जाती है। ठीक है, अब देखो अगला है मेडिसिन इसके लिए कौन सा यूज होता है। तो सिस्टिसर्कोसिस और टेनियासिस दो अलग अलग डिजीज हैं। सिस्टिसर्कोसिस के लिए जो यह ज़्यादा खतरनाक होता है, सिस्टिसर्कोसिस जो डिजीज है वह ज़्यादा खतरनाक होती है टेनियासिस से। तो इसके जो डिजीज के लिए जो मेडिसिन है यो है योमेसैन, कॉमोक्वीन और एंटीफेन। एंटीफेन के बारे में पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन में आया था एंटीफेन। ठीक है, ऑप्शन में था वो। अगला इसमें एक और है इकिनोकोकस, मतलब एक और इस जो क्लास है ना जो सिस्टोडा क्लास है, तो इस सिस्टोडा क्लास में दो के बारे में जान लो। एक तो टीनिया हमने जान लिया, और दूसरा क्या है? इकाइनोकोकस। तो इकाइनोकोकस जो है ना इसे डॉग टैप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाइनोकोकस को डॉग टैप वर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉग टैप वर्म? क्योंकि यह डॉग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डॉग में पाया जाता है। यह इसे हाइड्रेटेड वर्म भी कहते हैं। ठीक, इसका जो इसके और जो होस्ट होते हैं वे होते हैं डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकती हैं, या ऐसे जैसे कि हाँ डॉग, कैट, फॉक्स ये वगैरह होते हैं इसके जो प्राइमरी होस्ट होते हैं, लेकिन इनके भी सेकेंडरी होस्ट होते हैं। ठीक है, जितने कॉर्निवोर्स हैं ना वे सबके सब इसके मतलब प्राइमरी होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट इसका भी पिग ही है,
पिग इसका सेकेंडरी होस्ट है और प्राइमरी होस्ट इसके सभी कॉर्निवोर्स हो सकते हैं। मोस्टली ये डॉग में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉग को ही इसका प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। तो हमने क्या क्या जान लिया इनके बारे में, हमने सब कुछ जान लिया। टेनिया को क्या कहते हैं, टैप वर्म। इकाइनोकोकस को डॉग टैप वर्म। और एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे अब। और तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो, ऑल वर्म्स, सभी वर्म क्या होते हैं, फ्री लिविंग, पैरासाइट, मैराइन, ये तो होते ही हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ हो गई। ये सभी वर्म क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यही जब प्लेटी हेलमिंथीज शुरू होता है, यहीं से ट्रिप्लोब्लास्ट शुरू होता है, यानी मीजोडर्म का फॉर्मेशन अब हो चुका है। अगला देखो, फ्लैट वर्म को क्या कहते हैं। तो फ्लैट वर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे नाम बताओ जल्दी से, फ्लैट वर्म किसे कहते हैं बताओ। यह जो फाइलम पढ़ रहे हो, इसी फाइलम को क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। और ये फाइलम कौन सा है, प्लेटी हेलमिंथीज। और प्लेटी हेलमिंथीज के जो जीव होते हैं उसमें सिलोमेट्स नहीं पाया जाता है, सिलोमेटा। तो ये क्या है, ये सिलोमेट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बॉडी प्लान ऑफ ए फ्लैट वर्म, जो बॉडी होती है फ्लैट वर्म की वह कैसी होती है। सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। अच्छा, ट्यूब विद इन ए ट्यूब तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तो इसमें सिलोम बना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेल एग्रीगेट वहाँ से आगे बढ़ चुकी है, अभी ऑर्गेन स्टेज में पहुँच चुकी है, तो क्या होगा, ये ब्लाइंड सैक। क्या होगा, ब्लाइंड सैक। अच्छा, ब्लाइंड सैक क्यों है ये, क्योंकि इसमें ना अभी तक एनस नहीं बना हुआ है। जैसे सिलेंट्रेट्स में एनस नहीं था ना, इसमें भी अभी तक एनस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, स्पाइरल क्लीवेज पाया जा रहा है, तो सिर्फ माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है पहले, अभी तक नहीं बना है, इसीलिए क्या है, ब्लाइंड सैक है। अगला देखो, हु हैज सजेस्टेड द नेम प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज नाम किसने दिया था। तो प्लेटी हेलमिंथीज नाम दिया था गिजेम्बर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन एमोंगस टैप वर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया, इन तीनों में कॉमन क्या है, टैप वर्म, टैनिया, लीवर फ्लूक फेसियोला और प्लेनेरिया, इन तीनों में क्या है जो कॉमन। ऑल फाउंड इन गट, नो, प्लेनेरिया मैराइन होता है। ऑल आर सेगमेंटेड, नो, अभी तक सेगमेंट बने ही नहीं है, सिर्फ ऐसा है टेनिया ऐसा है जिसमें कि क्या है, स्यूडो सेगमेंटेड कहलाता है। दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी, तो सबकी बॉडी फ्लैट होती है, ये वाली बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट वर्म, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लैट वर्म में, तो इसमें फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लैम सेल्स क्यों कहते हैं इनको, है ना, इनकी ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे लगता है ना आग जली हुई हो, तो ऐसे जो फ्लैम होते हैं ना, बस ऐसे समझ लो, इसको ईजिली समझ सकते हो, इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि कोई भी लौ जलाओ तो ऐसे जलती है ना, तो बस ऐसे ही समझ लो इनको। आगे देखो, पिक अप द करेक्टली मैच्ड, इनको करेक्टली आपको मैच करना है, ठीक है। मार्सुपियम, प्लेटीपस में पाया जाता है। ब्लबर, पिक अप द करेक्टली, जो करेक्टली मैच है उसको बताओ। मार्सुपियम किसमें पाया जाता है, ये सब जानते होगे, मार्सुपियम किसमें पाया जाता है, ठीक है। ब्लबर, कंगारू, फ्लैम सेल, फ्लैट वर्म, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एग्जांपल भी, मतलब उसका आंसर भी इसी में है, मार्सुपियम किसमें पाया जाता है, आंसर इसमें दिया हुआ है, बस मिला हुआ नहीं है। तो फ्लैम सेल फ्लैट वर्म में पाया जाता है, ये बात सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। और बाकी मार्सुपियम किस में पाया जाता है, ये आप खुद ही ढूंढ लेना। अगला देखो, पैरासिटिक एनिमल है वेल डेवलप्ड, पैरासिटिक एनिमल जो वेल डेवलप्ड होता है, पैरासिटिक एनिमल में वेल डेवलप्ड क्या होता है। तो देखो, जो पैरासिटिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया ना, टेनिया में तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पचा पचाया भोजन क्या करता है, अपने बॉडी का जो उसकी पूरी जो बॉडी होती है, क्यूटिकल की बनी हुई जो पूरी बॉडी है ना, उस बॉडी से वह जो सरफेस के द्वारा, बॉडी में जो सरफेस है ना, इसी सरफेस से पूरा भोजन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसको चाहिए। तो ये खाना नहीं खाता अलग से, इसका माउथ है, लेकिन वो माउथ में जो सुकर्स है ना, सकर्स, उसे पकड़ने का काम करता है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े अच्छे से इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इतने अंडे देता है ना, बहुत सारे अंडे देता है, तो सबसे अच्छा काम यही करता भी है और कुछ। और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसमें पाया नहीं जाता है, क्योंकि मतलब अनाक्सी श्वसन करता है ना,
ऑक्जी तो करता नहीं है, एनऑक्जी करता है तो ए नहीं है। अगला, विच वन इज नॉट ए लार्वल स्टेज ऑफ फ्लैट वर्म, इसमें से कौन सा है जो फ्लैट वर्म का लार्वल स्टेज नहीं है? तो सर्केरिया लार्वा, मेरासीडियम लार्वा और रेडिया लार्वा। सुना सुना लग रहा है ना अभी जो मैंने पढ़ाया था उसमें, सुना सुना लग रहा था। बाई पिनेरिया तो हमने पढ़ाया ही नहीं था, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, टर्बिलेरियंस आर फ्री लिविंग, टर्बिलेरियंस क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और एक किस में पाए जाते हैं, क्या होते हैं? फ्लैट वर्म। और एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेनेरिया। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। अगला क्वेश्चन देखो, लीवर फ्लुक, लीवर फ्लुक बिलोंग्स टू द क्लास, लीवर फ्लुक किससे बिलोंग करता है? तो अब नाम ऐसे समझना, आप इसमें नाम ढूंढो, ऐसे ढूंढो कि आपको समझ में आ जाए। सिस्टो, किस्टो, किस्टो मतलब गिरडल, और गिरडल मतलब क्या होता है? फीता। तो इसमें लीवर नहीं, फ्लुक नहीं होगा। और फ्लुक का मतलब क्या है? गोल गोल सा होगा, ऐसे वाला, ऐसे बॉडी होगी, ठीक है। इसमें एक पोर होगा, एक पोर होगा, ढेर सारे पोर ही समझ लो इसमें। टर्बिलेरिया, टर्बेला, टर्बेला का मतलब क्या है? टर्बेला का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। टर्बेला का मतलब, मन में एक बार सोचो तो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इसके बारे में सोचो, टर्बेला का मतलब क्या होता है? कि इसमें सीलिया होगी। टर्बेला मतलब क्या? सीलिया, ठीक है। तो ट्यूब जैसा लग रहा है ना टर्बेला, तो ट्यूब जैसा है, तो इसमें सीलिया हो गई। तो इसमें भी लीवर में सीलिया नहीं है, सीलिया को कील इसलिए होती है चलने के लिए, और लीवर फ्लू को तो चलना ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्रीमेटोडा, निमेटोडा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो तो आगे वाला है, एसके हेलमिंथीज। आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन एनिमल्स ऑफ द क्लास, एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है किस क्लास के जीवों में? तो एलिमेंट्री कैनाल किस में अब्सेंट होगा? जिसको बनाना खाना नहीं होगा। तो वे कौन से जीव होते हैं, कौन से होंगे? सिस्टोडा। इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं, जरूरत ही नहीं होती है। स्यूडोमेटामेरिज्म, स्यूडोमेटामेरिज्म किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टीनिया सोलियम में। ऐसा लगता है ना कि बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन होती नहीं है, तो इसको स्यूडो सेगमेंटेड या स्यूडोमेटामेरिज्म भी कहेंगे। अगला, डॉग टैप वर्म, डॉग टैप वर्म कौन होता है? इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, ये क्या होता है? डॉग टैप वर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 15 क्वेश्चन कहाँ गया, लो गायब ही हो गया। अगला क्वेश्चन, मेरासीडियम लार्वा, मेरासीडियम लार्वा किस में पाया जाता है? तो बताओ, जल्दी बताओ, मेरासीडियम लार्वा किस में पाया जाता है? लीवर फ्लुक में। और एक बार जरा तीनों लार्वा के नाम याद कर लो, कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन, विच पैरासाइट विल नॉट एग्जिस्ट इफ ऑल फ्रेश वाटर बॉडीज ड्राई अप वंस फॉर ऑल, पैरासाइट विल नॉट एग्जिस्ट इफ ऑल फ्रेश वाटर बॉडीज ड्राई अप वंस इन ऑल। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो अगर फ्रेश वाटर बॉडीज हैं अगर ड्राई हो जाए तो वो नहीं जी पाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो है फैसियोला। विच विल सो बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, यह दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं फैसियोला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लुक व्हेन इट इन्फेक्ट द इंटरमीडिएट होस्ट इज, कौन सी स्टेज में लीवर फ्लुक, लीवर फ्लुक मतलब फैसियोला, कौन सी स्टेज में यह इंटरमीडिएट होस्ट को अफेक्ट करता है? तो इन्फेक्ट करता है, इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसमें जाके बस रह जाए। तो अब बात कर रहे हैं लीवर फ्लुक की, यानी फैसियोला हिपेटिका की, और फैसियोला हिपेटिका में कौन कौन से जीव को के ऊपर ये रहता है, इसके होस्ट कौन कौन से हैं? सिप है, और क्या है? स्नेल है। और स्नेल के अंदर ये जब जाता है तो किस फॉर्म में रहता है? मेरासीडियम फॉर्म में। मेरासीडियम फॉर्म में क्या जाता है, या उसके अंदर जाता है। और जब सिप के अंदर आता है तो किस फॉर्म में रहता है? मेटासेरेकरिया लार्वा के रूप में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ें, तो इसमें मेरासीडियम ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, हाँ, विच वन इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला, फैसियोला की लार्वल स्टेज कौन सी नहीं है? तो पहले तो ये बता दो कि कौन सी होती है, कौन सी होती है? मेरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया
तो इसमें है मीरासीडियम, फिर क्या बताया, स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, रेडिया के बाद सर्केरिया, सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया। तो सिस्टी सर्कस तो है ही नहीं इसमें। और सिस्टी सर्कस किस में पाया जाता है ये लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा किस में पाया जाता है? जल्दी बताओ, सिस्टी सर्कस लार्वा किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है टेनिया में। ठीक, तो आ जाओ इसका ऑप्शन नहीं। अगला, फैसियोला से कौन सी डिजीज होती है? क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी डिजीज होती है? लीवर रॉट। अगला, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक वन कम अक्रॉस द फॉलोइंग स्टेज। अब आपको इसमें मिला देना है कि किसके बाद कौन सी स्टेज आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेकेंडरी होस्ट में, जब ये जाता है, जब सेकेंडरी होस्ट में ये जाता है तो किस रूप में जाता है? सेकेंडरी होस्ट के अंदर जब ये जाता है तो किस रूप में जाता है? यहीं से सब याद आता जाएगा। चलो बताओ, मीरासीडियम के फॉर्म में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? मीरासीडियम, चारों में वही है। उसके बाद मीरासीडियम किस में चेंज हो जाता है? स्पोरोसिस्ट में, ठीक है? तो वो भी है यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर 4 तो हट गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हट गया। अब स्पोरोसिस्ट किस में चेंज होता है? स्पोरोसिस्ट किस में चेंज होता है? रेडिया में। तो इसके बाद हो गया चौथा, अभी ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। अब रेडिया के बाद क्या बनता है? सर्केरिया। और जाहिर सी बात है, मेटा सर्केरिया के पहले ही सर्केरिया बनेगा, वो तो साफ पता चल जा रहा है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है ना, सर्केरिया से मेटा सर्केरिया बनेगा, वो तो बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर पहला होगा और फिर दूसरा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, याद कैसे करोगे? मीरा, ठीक है, सबसे पहले क्या है? मीरा, ठीक, मीरा के बाद कौन है? स्पोर, ठीक है, मीरा स्पोर्ट, ऐसे याद करो, मीरा स्पोर्ट, मीरा स्पोर्ट। तो मीरा हो गया सबसे पहले, और स्पोर, स्पोर्ट में क्या हो गया? स्पोर हो गया, और स्पोर के बाद रेडिया भी हो गया, स्पोर में रेडिया भी आ जा रहा है, मीरा स्पोर्ट, ठीक है, मीरा स्पोर्ट्स कम, मीरा स्पोर्ट्स कम। तो मीरा, ठीक है, स्पोर्ट, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, और कम से सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, याद हो जाएगा ना अब, मीरा स्पोर्ट्स कम, ठीक है। अगला, सकस इन टैप वर्म हेल्प इन, जो सकस होते हैं और टैप वर्म में, वो किस काम में आते हैं? तो इनका काम क्या होता है? अटैचमेंट का काम होता है, और कुछ काम तो होता नहीं इनका। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम, जो प्राइमरी होस्ट होता है टेनिया सोलियम का, वह कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है, सोलियम की बात है तो मैन ही होगा, सोलो। अगला देखो, बॉडी सेगमेंट ऑफ टेनिया आर कॉल्ड, जो बॉडी सेगमेंट होते हैं टेनिया में, जिसे स्यूडो सेगमेंट कहते हैं या स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं, वह क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? प्रोग्लोटिड्स, हर एक टुकड़ा प्रोग्लोटिड्स है। अगला, इन टेनिया एरिया ऑफ प्रोलीफरेशन इज, जो प्रोलीफरेशन का एरिया है टेनिया में, उसे क्या कहलाते हैं? प्रोलीफरेशन का मतलब होता है जो खंड विहीन है, और जहाँ से नए टुकड़े बन रहे हैं, जहाँ से नए प्रोग्लोटिड्स बन रहे हैं, उस एरिया को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रोलीफरेशन एरिया, और उस एरिया को कहते हैं नीक। यह अनसेगमेंटेड होता है, बिल्कुल कोई सेगमेंट नहीं होता है, नीचे वाले प्रोग्लोटिड्स टूटते जाते हैं, और जो निक है वह मतलब धक्का देके एक नया बनाता जाता है प्रोग्लोटिड, ठीक है। सेडिंग ऑफ प्रोग्लोटिड इन टैप वर्म इज कॉल्ड, सेडिंग मतलब जो प्रोग्लोटिड्स हैं वह जब टूट रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? एपोलिसिस कहते हैं। जब टूटेंगे तभी तो वह बाहर जाएंगे ना, शरीर से बाहर निकलने के लिए। पूरा टेनिया तो बाहर जाता नहीं है, वो तो अंदर पड़ा रहता है, सकर्स के द्वारा उसने पकड़ के रखा हुआ है इंटेस्टाइन को, तो पूरा तो जाएगा नहीं, लेकिन दूसरे में जाने के लिए जो फिकल मटेरियल है उसके साथ कौन जाता है? यही प्रोग्लोटिड्स जाते हैं। तो यह प्रोग्लोटिड्स को टूटना जो है वह कहलाता है एपोलिसिस। अगला क्वेश्चन, अ प्रोग्लोटिड ऑफ टेनिया इज कॉल्ड ग्रेविड व्हेन इट हैज, जो प्रोग्लोटिड है टेनिया का उसको ग्रेविड कहते हैं। कब कहते हैं इसको ग्रेविड? तो जब इसके यूटेरस में ना,
जो इसके अंदर यूटेरस पाया जाता है, मैंने बताया ना रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होता है इसमें। तो जब उसमें यूटेरस में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड एग भर जाते हैं, ठीक है, जब एग फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें बन के भरे पड़े रहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविट, ग्रेविटी बढ़ जाती है ना उसको शायद। देखो अगला, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ सिर्फ, ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन, एलिमेंट्री कैनाल किसमें अब्सेंट होता है, जिसको ज़रूरत नहीं है, किसको नहीं है, टेनिया सोलियम को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, टैप वर्म हैज़ नो एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इट फीड ओनली व्हेन यंग, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेनिया सोलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टेनिया सोलियम का कैरेक्टराइज बताओ, एक्सट्रॉनली डिवाइड बॉडी, अब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ हुक्स फॉर एडहेशन, ऑल ऑफ एबव, बिल्कुल चारों सही है, मतलब तीनों सही है। अगला, देर इज नो एलिमेंट्री कैनाल इन टेनिया बिकॉज इट इज ए पैरासाइट, बॉथ स्टेटमेंट एंड रीजन, बॉथ स्टेटमेंट कहाँ आ गया इसमें, अच्छा ये स्टेटमेंट है, देयर इज नो एलिमेंट्री कैनाल इन टेनिया, और यहाँ से इसका रीजन दिया गया बिकॉज इट इज ए पैरासाइट, बॉथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट। ऐसा नहीं लगता कि और भी तो पैरासाइट होते हैं, तो और पैरासाइट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, होना चाहिए ना। तो देखो यह तो सही है, मतलब ये पैरासाइट है ये भी सही है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है ये बात भी सही है, लेकिन ये रीजन सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इसके लिए ये रीजन नहीं है, इसके लिए ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल। तो ऑप्शन नंबर ए तो एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, रीजन और भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज लाइक टू अकर इन, किस में पाया जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो टैप और में पाया जाता है। एक्सक्रीशन इन टेनिया इज डन बाई, इतना मैंने आपको बता दिया इतनी बार कि अब तो आप रट चुके होंगे ना इसको, भूल नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद एक बार रिविजन कर लेना, क्योंकि चाहे आपने अपने दिमाग में कितनी भी चीज़ों को कितना भी व्यवस्थित क्यों ना रखा हो, अगर दोबारा आपने कुछ दिनों तक उसे छोड़ दिया ना, तो फिर रोज़ आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि आप उसे भूल सकते हो कि आपने उस फाइल को रखा कहाँ है, ठीक है। तो अपने माइंड को हमेशा अपडेट करते रहो, आगे बढ़ो। एक्सक्रीशन इन टेनिया इज डन बाय, एक्सक्रीशन टेनिया में किसके द्वारा होता है, बता दो आंसर, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है फ्लैम सेल। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू टेनिया, टेनिया से रिलेटेड सही वाला स्टेटमेंट खोजो। इसमें ओनली एंटेरियर प्रोग्लोटिड्स कॉन्टेन मेल ऑर्गेन, वेयर एज राइप प्रोग्लोटिड्स कॉन्टेन ओनली यूटेरस फिल्ड विथ एग्स। ओके, ये तो हो ही नहीं सकता। बी, मेल ऑर्गेन्स आर कन्फाइंड टू पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स, और प्रोग्लोटिड्स कॉन्टेन बॉथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेन। चौथा, फीमेल ऑर्गेन आर कन्फाइंड टू एंटेरियर प्रोग्लोटिड्स। अब देखो होता क्या है इसमें, कि हमने बताया कि यह क्या है, मोनोएसियस है, और साथ में क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। तो हर प्रोग्लोटिड के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्रोग्लोटिड्स कॉन्टेन बॉथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। सीरस इज टेनिया इज एसोसिएटेड विथ, सीरस जो होता है टेनिया में वो किसके लिए एसोसिएट होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर देखो, रिप्रोडक्शन के लिए, इसमें एक ही काम ही है यार, हमें लगता है बस एक ही काम करता है, एक्सक्रीशन करने, सॉरी रिप्रोडक्शन करने का, तो जो कुछ है बस रिप्रोडक्शन के लिए होगा, नहीं तो फिर इसके लार्वा के लिए होगा, बाकी तो कोई काम इनका है नहीं, जो भी चीज़ ना समझ में आया वही होगा। अगला देखो, कॉपुलेशन इन टेनिया अकर्स बिटवीन, कॉपुलेशन टेनिया में कैसे होता है, टू मैच्योर प्रोग्लोटिड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मेल एंड फीमेल टेनिया, टू प्रोग्लोटिड्स टू टेनिया, कहाँ से खोजने जाएगा एक ही इंटेस्टाइन में दो दो टेनिया को, ठीक है। तो यह क्या कर सकते हैं, दो प्रोग्लोटिड्स के बीच में आराम से इसमें कॉपुलेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इन फ्लैट वर्म विटेलेरियम इज जनरली फाउंड एसोसिएटेड विथ, विटेलेरियम किस में पाया जाता है, अब तुम खुद ही आप लोग बता सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। विटेलेरियम पाया जाता है ओवरी में, ठीक। अगला,
इन्फेक्शन ऑफ टेनिया इज सेकेंडरी होस्ट अकर्स एज इन्फेक्शन ऑफ टेनिया टू सेकेंडरी होस्ट इज अकर एज जब सेकेंडरी होस्ट में जाता है तो किस फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में, ओंकोस्फेयर, बताया था ना अभी। अगला देखो, ओंकोस्फेयर लार्वा स्टेज अकर इन, ओंकोस्फेयर लार्वा किस में पाया जाता है, टेनिया में ही पाया जाएगा। अगला, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टेनिया, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है टेनिया का, तो कौन होगा, पिग। अगला क्वेश्चन, फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल टैपवर्म रिक्वायर्स, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे क्या चाहिए, टैपवर्म को किसकी जरूरत होती है। तो देखो, मैन तो इसका है ही, ठीक है, वो तो प्राइमरी है, लेकिन जो सेकेंडरी कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, वो क्या होता है, पिग होता है। सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज, अब सिस्टिसर्कस लार्वल स्टेज किस में पाया जाता है, टैपवर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टिसर्की इन पिग मसल्स कैन रिमेन विजिबल फॉर, तो सालों सालों तक उसमें रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टैपवर्म इन पिग, पिग में इन्फेक्टिव स्टेज टैपवर्म की क्या होती है, तो सिस्टिसर्कस ही है। अगला देखो, यहाँ पर लिखा है सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टैपवर्म और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टैपवर्म इन द पिग इज सिस्टिसर्कस, व्हेन सिस्टिसर्की आर प्रेजेंट इन पॉर्क इट इज कॉल्ड मीजली पॉर्क। अगला, वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीनिया इज मैन, इज मैन में जो इन्फेक्शन होता है टीनिया का वह कैसे होता है, तो वन ऑफ द इफेक्ट पूछ रहा है ना, इन्फेक्शन जब होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, द डिजीज कॉज्ड बाय ब्लैडर वर्म इज नोन एज, ब्लैडर वर्म के द्वारा जो डिजीज होती है उसे क्या कहते हैं, तो पहले तो ये बताओ कि ब्लैडर वर्म को क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्म एक लार्वा है ना, तो उसका और क्या नाम है, और भी एक नाम है बताओ, सिस्टिसर्कस, उसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टिसर्कस, तो दूसरा नाम जो होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी डिजीज भी होती है, सिस्टिसर्कोसिस। आगे बढ़े, टेनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टेनिया सोलियम मेनली इन द अब्सेंस ऑफ, ऐसा क्या है टेनिया सोलियम में जो टेनिया सेजिनाटा में नहीं है, क्या है तुम में जो मुझ में नहीं है, वो है सकर्स, ठीक है, जो सकर्स हैं, जो हुक्स हैं ना, जो पकड़ने वाले, वो हुक्स इसमें नहीं पाए जाते हैं इस कॉलेक्स पे, तो ये पकड़ नहीं बना पाता अपनी। अगला, विच स्टेटमेंट इन, अच्छा अगर पकड़ नहीं बना पाता तो ये क्या कर सकता होगा, कैसे रहता होगा, ये आंसर आप लोग मुझे बताओ, विच स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू टेनिया सेजिनाटा इज ट्रू, टेनिया सेजिनाटा के लिए ट्रू स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, तो इसमें हुक नहीं पाए जाते हैं, तो ये मतलब पकड़ने के लिए ना हुक्स नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टेनिया सेजिनाटा, इंटरमीडिएट होस्ट टेनिया सेजिनाटा का क्या है, काऊ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो द बीफ टैप वर्म इज फाउंड इन, बीफ टैप वर्म किस में पाया जाता है, वही काऊ में, और जो बीफ टैप वर्म है ना उसी को बोलते हैं टेनिया सेजिनाटा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हुआ, आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो जब 1000 व्यूज हो जाएंगे, तो थैंक यू।